यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हुआ क्या ये एक बार समझ लीजिए आप। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, किसी यूनिफॉर्म का कॉस्ट नहीं निकाल रहे यहाँ पे, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सच टेक्निक्स प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज adopted to prepare cost records that are uniformly followed throughout the industry। जैसे अगर आप सीमेंट बनाने वाली कंपनी हैं तो जितना सीमेंट वाली कंपनियां इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है उन सब के यहाँ जैसे होता होगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने का काम, वैसा ही आपको करना चाहिए। यही बात हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। अगर आप पेट्रोल रिफाइन करने वाली कंपनी है तो आपके इंडस्ट्री में जितने भी पेट्रोल रिफाइनिंग कंपनियां हैं वो लोग जिस तरह से कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना रही है वैसे ही आपको बनाना चाहिए। तो एक सवाल मन में आता है, सर पता कैसे चलेगा वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये पता चलता है दो तरीके से, द टेक्निक्स कैन बी नोन बाय दो तरीका। एक, हर इंडस्ट्री का एसोसिएशन होता है, आपने सुना होगा कभी, हाँ जी। एसोसिएशन मतलब इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो लोग मिलके ग्रुप बना लेते हैं, से एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज ऑफ इंडिया, ऐसा एसोसिएशन ऑफ रबर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, ऐसा बहुत सारा एसोसिएशन है हर इंडस्ट्री में और अलग अलग लेवल पे है, मतलब स्टेट लेवल पे तो नेशनल लेवल पे तो इंटरनेशनल लेवल पे। उन एसोसिएशन का काम ही यही है कि ऐसा कुछ बात बता दीजिए जो सबको ही समझ ले, एक दूसरे के लिए लागू कर ले, उस एसोसिएशन का मेन रोल ही यही है। तो इंडस्ट्री एसोसिएशन से आपको कुछ डिटेल मिल जाते हैं, ओके। और दूसरा तरीका है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, ये गवर्नमेंट रूल्स इंडिया में ही है, ये और कहीं नहीं है। अब आफ्टर इंडिया, लाइक इफ यू गो अब्रॉड देयर ओनली एसोसिएशन प्लेस द मेजर रोल, बट इन इंडिया गवर्नमेंट रूल्स आर आल्सो देयर एंड द रूल इज नेम्ड एज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ये 2016 सिलेबस से हटा दिया है बट 2012 सिलेबस वालों को ये पढ़ना है, ठीक है। सीएस वालों को अभी भी पढ़ना है, सीएस वालों के सिलेबस से नहीं हटा है, सीएमए वालों के लिए हटा दिया है पुराना कोर्स से। पुराना कोर्स में था मतलब नया कोर्स 2016 सिलेबस में हट गया, सीएमए वाले का 16 सिलेबस में पूरा ही हट गया, ना कहीं पे भी नहीं है ये रूल्स। फाइनल में पढ़ना है, सीएमए फाइनल में पढ़ना है, नया सिलेबस में फाइनल में पढ़ना है। और पुराना सिलेबस में जो लोग हैं 2012 में, वो 2012 वालों को ये रूल्स पढ़ना पड़ेगा। इसका क्लास अलग से है, यूट्यूब में अपलोडेड है, आप उसको जरूर से कर लीजिएगा, समझ गए। यूट्यूब में अपलोडेड है, इसका 3 क्लास है, अगर यूट्यूब में एक्सेस नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पे बैठ के कर लीजिएगा, बट ये 3 क्लास आपको करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, ओके। 2012 सिलेबस वालों का 20 मार्क का आएगा, 20 मार्क्स का पोर्शन है, ठीक है। 3 क्लास 20 मार्क्स डन। बट इसका काम क्या है, ये आपको ये सिखा रहा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स में ये सिखा रहा है कि किस तरह से आप लोग अपना कॉस्ट अकाउंटिंग करें जो सबके लिए समान हो, बस यही बात हम लोग बोलना चाह रहे हैं, ओके। इसके अलावा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का एक फायदा होता है कि आप लोग अगर
एसोसिएशन में मिलें तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करके सबका प्राइसिंग भी यूनिफॉर्म कर लें, उससे हेल्दी कंपटीशन रहता है मार्केट में। नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, अंडरकटिंग चलता है। अंडरकटिंग मतलब उसका ग्राहक तानो, कंपटीशन में तो यही होता है ना, रेट कम करो ग्राहक तानो। तो अंडरकटिंग नहीं करके आप लोग एक हेल्दी कंपटीशन लड़ें एक दूसरे से, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नॉट बाय कटिंग प्राइस। प्राइस कट करने से क्या होता है ना, कंज्यूमर भी गुमराह हो जाता है, वो समझ नहीं पाता जो कम दाम दे रहा है वो अच्छा चीज दे रहा है कि क्या दे रहा है। तो हेल्दी कंपटीशन होता है कि प्राइस सेम रखिए, बाकी क्वालिटी पे लड़िए, सर्विस पे लड़िए, रीच टू योर कस्टमर्स पे लड़िए। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करोगे, जब कॉस्ट समान होगा तो ऑब्वियसली प्राइस भी समान रखा जा सकता है। सो फ्रॉम देयर इट कैन बी सेड दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन यूनिफॉर्म प्राइसिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन यूनिफॉर्म प्राइसिंग। यूनिफॉर्म प्राइसिंग मीन्स सबका प्राइस एक। फिर लिखिए इसमें, it ultimately leads to healthy competition between the firms in an industry. ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फेवरेट है, रिक्विजिट्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, रिक्विजिट्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। देखिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का रिक्विजिट है कि सबसे पहले आपका एसोसिएशन होना चाहिए, और एसोसिएशन तभी बनता है जब एक दूसरे पे विश्वास होता है। बड़ी कंपनी ये सोचने लगे कि मेरा छोटा छोटा कंपनी नोच नोच के सब खा जाएगा, इनको कुछ नहीं बताना है। हर कंपनी ऐसा सोचता है ना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इंटरनल डॉक्यूमेंट मतलब सीक्रेट डॉक्यूमेंट, हम कोई चीज कितना में बनाता है, कैसे बनाता है, आपको क्यों बताए। तो अगर मुझे आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है कि आप लोग मेरा ही मार्केट टाना टोनी करेगा तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो रिक्विजिट में सबसे पहले यही बोलते हैं कि भाई म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन द सेवरल फर्म्स इन द इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नोबडी विल बी ईगर टू शेयर द कॉमन टेक्निक्स। और ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट लिखिए, नंबर ए, ट्रस्ट कोऑपरेशन among the members Number B, free exchange of ideas and methods, एक दूसरे के विचार को शेयर करिए। ओके, नॉर्मली बिग फर्म्स ही सारा ज्ञान देती है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं लगता है एसोसिएशन में छोटे मोटे फर्म जाके क्या ज्ञान देंगे। तो बिग फर्म्स अगर रिजर्वेशन रखेंगे तो काम होगा ही नहीं, एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल ही नहीं होगा। तो बिग फर्म्स शुड बी रेडी टू शेयर द ways to improve
एफिशिएंसी, रिजल्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च, एंड अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस। देन देयर शुड नॉट बी राइवलरी बिटवीन द मेंबर्स, अमंग द मेंबर्स। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होगा तो एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा। नो राइवलरी अमंग द मेंबर्स। और एक आप बोल सकते हैं, नो हाइडिंग, कुछ भी छुपाने छुपाने का काम नहीं होना चाहिए ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्री। आपको ये बता देते हैं, ये अगर आपको भी कभी बिजनेस करना हो, या अपना चलिए जिंदगी में कभी सीए फर्म, सीएमए फर्म, सीएस फर्म खोलना हो, तो कई बार होता है ना कि अपना खुद का नेटवर्क नहीं है तरक्की करने के लिए, अपने जान पहचान में लोग नहीं है, बट करना अपना काम। तो सबसे इजी तरीका है घुसने का बाजार में, एसोसिएशन ज्वाइन करो। कहीं कहीं एसोसिएशन ज्वाइन करने का मेंबरशिप फीस ले लेते वो लोग, और कुछ लोग सोचते हैं, अरे कमाया नहीं हम, मेंबरशिप फीस क्यों दे, जब कमाई होगा तब ज्वाइन करेंगे। अरे भाई, जब कमाई हो जाएगा ना तो तुमको एसोसिएशन चाहिए क्यों? जब कमाई कुछ नहीं हो रहा है तो उनसे जाके ज्ञान तो लो कैसे ग्राहक मिलते हैं, तो मेंबर बनो। और वहां पे काम ही यही है दूसरे मेंबर्स का, जो आपसे तरक्की कर चुके हैं ज्यादा, वो आके आपको बेनिफिट्स बताते ही रहेंगे। उनके यहाँ पे कोई राइवलरी नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, तो फोकट में जो ज्ञान चाहिए और नेटवर्क चाहिए वो सब मिलता है, जस्ट यू हैव टू बी प्रेजेंट। जैसे हम लोग सीए हैं, तो सीए लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा एसोसिएशन अपने अंडर में से बना रखा है। जैसे कलकत्ता में चलता है डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन, डीटीपीए नाम है, व्यूज एक्सचेंज बोलकर है, मध्य कलकत्ता बोल के है, विट्ठल सलाहकार बोल के है। अब हुआ क्या, मैं अभी, मेरा एक दोस्त सीए बना, तो नया नया प्रैक्टिस फर्म चालू किया, मेरे को तो ये काम करना था, तो मैं फिर भी सब में मेंबर हूँ, बट फिर भी मैंने उसको भी एडवाइज किया, अरे एसोसिएशन का मेंबर बन, तेरे नेटवर्क बढ़ेंगे, कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, काम कैसे करना है फटाफट सब आइडियाज आएगा, वरना कौन सिखाने वाला आज का युग में। तो जवाब क्या था, अरे सतीश भाई, एक एक जगह का मेंबरशिप फीस पता किया था, 10-10 हजार, 5-5 हजार रुपया मांगता है, बनने तो लाख रुपया लग जाएगा, लाख रुपए का कमाई कहाँ है भाई? कोई भी धंधा करते हो तो इन्वेस्टमेंट लगता है क्या? अब आप बोलेंगे हम ऑफिस खोलेंगे, हम तो चेयर टेबल भी नहीं लाएंगे, कमाई कहाँ है? कंप्यूटर भी नहीं लाएंगे, कमाई कहाँ है? तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे? तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। इसमें जाने से, पहचान बनाने से क्या हो जाएगा, यू नेवर नो। हम लोग अपना एक दुनिया बना के रखते हैं, वो तो दुनिया के अंदर ही हम जीना चाहते हैं, बट आपसे बेहतर कितनी दुनिया ऑलरेडी चल रही है उसके बारे में नॉलेज लोगे तब तो वहां पहुंचोगे, वो एग्जिस्ट करता है तब तो वहां का टिकट कटाओगे, वहां कैसे पहुंचना है तब तो जानोगे, अगर यहीं रहना है तो रहो वही रोते रोते, उसमें क्या है। तो ये एसोसिएशनों ने बहुतों की जिंदगी बदली है, मतलब स्पेसिफिकली स्मॉलर फर्म्स। कई बार होता है बिगर फर्म भी कुछ नया सोचती है ना, तो एसोसिएशन में जाके प्लेस करती है कि देखिए स्मॉलर लोग का क्या कहना है इसके बारे में, तो उनका व्यूज भी बहुत मैटर करता है, फीडबैक बहुत मैटर करता है टू टेक अ बिगर कॉल। तो वो लोग अपने को फायदा देने नहीं आते, वो लोग भी तो
कुछ व्यूज लेने आते हैं, फीडबैक लेने आते हैं, और उसके हिसाब से जाके वहां पे कॉल ले लेते हैं बड़ा बड़ा। और ये एसोसिएशन रियली आई विल टेल यू, अगर आप कोई अपने फ्यूचर में अपने फैमिली बिजनेस में भी घुसे ना, तो उससे जुड़ा हुआ कोई एसोसिएशन को खोज, उसका मेंबर बनिए। उसमें जब आप नेटवर्किंग करेंगे जाके, नेटवर्किंग मतलब जाके लोगों से मिलेंगे, रिलेशन बना के रखेंगे, फिर इमीडिएट कल का कल को रिजल्ट नहीं आएगा। से हर कुछ कुछ एसोसिएशन में सालाना मेंबरशिप लगता है, तो एक साल में भी रिजल्ट आए कोई जरूरी नहीं, बट जिस दिन आना शुरू होगा ना, आप संभाल नहीं सकोगे। हमारा एक दोस्त, उनका बहुत अच्छा बिजनेस स्पाइसेस का, स्पाइसेस में से मसाला, खानदानी बिजनेस और करोड़ों का बिजनेस ऑलरेडी, बट उसको कुछ अपनी जिंदगी में नया करना था। उसको कोई फैक्ट्री बढ़ाना था दाल वाल का, तो कैसे बैठा है, उसके घर में उसका कोई नेटवर्क नहीं था, उसने रिसर्च वर्च किया, उसको कहीं से कोई इंटरेस्ट आ गया, कोई कहानी वानी सुन के कि किसी से बारे में सुन के समझ के कि मुझे अपना कोई फैक्ट्री बैठाना है, तो कैपिटल का उतना कोई टेंशन नहीं था उनके घर से, कि बेसिक कैपिटल तो उसको मिल जाएगा हमेशा, जो मिनिमम कैपिटल प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उतना मिल जाएगा, बट करेंगे कैसे, क्या होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं उसके परिवार में। वो MBA कॉलेज, अच्छा कॉलेज दुबई से MBA किया था, तो वहां पे उसको ये सब एसोसिएशन का ज्ञान मिला, और वो इंटरनेशनल एसोसिएशंस का मेंबर बना, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एसोसिएशन का मेंबर बना, और उनके जो एनुअल मीटिंग होते थे या कोई भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते थे उसको जाके अटेंड करता था, कभी दुबई में, कभी सिंगापुर में, कभी इंडिया में भी कहीं पे। 3-4 अटेंड करने के बाद उसका वहां पे सिस्टम क्या था ना, सब जाते तो विजिटिंग कार्ड बड़ा बड़ा लेके जाते, मोटा मोटा लेके जाते, मोटा मोटा एज इन ज्यादा नंबर्स में लेके जाते थे, तो जो मिलते थे पहला विजिटिंग कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड लिया, विजिटिंग कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड लिया, यही नेटवर्किंग है। और सारा विजिटिंग कार्ड को इकट्ठा करके घर में वापस सोचते थे आज किससे किससे मिला, कौन क्या हेल्प कर सकता है, और ऐसे ही करते करते 4 मीटिंग के बाद उसको पूरा रास्ता दिख गया कि उसको फैक्ट्री कैसे बैठाना है, एंड एक्चुअली उसने फैक्ट्री बैठा डाली कलकत्ता में, जंगलपुर में उसका फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे जंगलपुर, वहां पे फैक्ट्री बैठा डाला। कैपिटल थोड़ा घर वर से जुगाड़ हो गया और बाकी का बाजार से जुगाड़ कर लिया, और फैक्ट्री में भी मैक्सिमम मशीनरीज इम्पोर्टेड मशीनरीज जो इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं होते सब बाहर से मंगा लिया, आज अपना एस्टेब्लिशमेंट अपने दम पे खड़ा किया। कौन आइडिया दिया, कौन खड़ा किया, वो सारा क्रेडिट बोलता है ये सिर्फ एसोसिएशंस का ही देन है। तो ये पावर एसोसिएशन का है, ये एसोसिएशन में कभी घुस जाए तो बिजनेस बहुत जोर से तरक्की करता है, और ये नौकरी करने वालों को नहीं समझ में आएगा, जो बिजनेस माइंड है, जो सोचता है कि मुझे बहुत दूर तक कभी जाना है, बिजनेस में जाना है, अपना कुछ बना के जाना है, तो उसको एसोसिएशन का मेंबर बनना कभी भी दुख नहीं होगा, उसको लगेगा कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। और ऐसा नहीं होता कि कनेक्टेड एसोसिएशन में ही फायदा होता है, यू नो आप डाइवर्सिफाइड एसोसिएशन के मेंबर बनी, जैसे आप कोई अपने हम लोग जैसे मारवाड़ियों में क्या होता है, मारवाड़ी युवक समिति का मेंबर बन गया, कोई लायंस क्लब का मेंबर है, कोई रोटरी क्लब का मेंबर है, कोई कोई और क्लब का मेंबर है, कोई यूथ विंग है उसका मेंबर है, क्यों बनते हैं वो सब, क्या मिलता है, टाइम पास करने जाते हैं वो लोग, सब नेटवर्क है। ये एक में घुसते हैं तो कितने जनों से मिलते हैं, और बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है नेटवर्क। जॉब वालों को क्या चाहिए भैया, रूटीन, सुबह 8 बज गया बैग तैयार करो, निकलो घर से और एक ही जगह जाना, जिस दिन वो निकाल देगा उस दिन दूसरा जगह दिमाग लगाना, और एक ही जगह जाना, एक जगह से वापस आना, जॉब वालों को कुछ नहीं चाहिए। बट जॉब वालों का बॉस क्या करता है, सारा दिन इधर उधर मीटिंग मीटिंग मीटिंग, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, तो हर जगह वो काम पे ही थोड़ी जा रहा है, नेटवर्क बनाने जाना पड़ता है। वो नेटवर्क में कब कौन सा आदमी क्लिक कर जाता है,
कब कौन सा आदमी से क्या काम बन जाता है, यू नेवर नो। और वो सब पावर है एसोसिएशन, सब सब बहुत सारे है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत सारा है इंटरनेशनल लेवल पे, नाफ्ता, साफ्ता, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा है। आप कहाँ कहाँ जा सकते हो ये आपको सोचना है। कहीं कहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ऐसे कितना इलीट ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है वो। अगर मिलता है तो आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दो, अगर विजन में है कि मुझे कुछ अपना करना है। अच्छा, CA CMA CS में भी हम लोग, CA का मैं जानता हूँ, देखो CMA इंस्टीट्यूट में भी एसोसिएशन होने तो चाहिए, बट CA में बहुत सारे, जैसे ईस्टर्न रीजन में इतने सारे हैं, फिर वेस्टर्न रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में। अब जैसे मैं ईस्टर्न रीजन में अगर CA फर्म चला रहा हूँ, कल को मेरे को मन में आ रहा है कि नहीं यार ईस्टर्न का स्कोप कम दिखता है, बॉम्बे में बहुत काम है, अब बॉम्बे में किसी को जानता नहीं, क्या करूँ, वेस्टर्न रीजन के एसोसिएशन का मेंबर बनूंगा, उसकी जितनी मीटिंग होगी उसमें जाके अटेंड करूंगा। और एसोसिएशन में जब अगल बगल लोग बैठे होंगे और बगल वाला देख रहा है ये फिर आया, बात तो होगा ही, और नहीं कर पाए बात तो फिर मेरे में ही कमी। वो बातचीत शुरू तो काम धंधा शुरू, फिर उन्हीं को ही बोलना है भाई यहाँ पे मौका खोज रहे हैं, अभी तो कलकत्ता के हैं, कुछ बताइए, कुछ है क्या अरेंजमेंट। तो इमीडिएटली कोई आदमी नहीं बताता, क्योंकि कोई को लगता है भाई ये खतरनाक आदमी भी हो सकता है, भाई क्या मालूम किस रूप में आया है। तो जैसे जैसे भरोसा डेवलप होने लगता है ना, अचानक से एक दिन क्लिक करता है, अचानक से। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन, आई एम टेलिंग यू। यंग एज में अगर कुछ करना है तो इसी तरीके से करना है, और कोई तरीका नहीं। एंड इसी से हर बिजनेस का आप देखना, ग्रोथ नहीं हो रहा होता है तो उसका कुछ अपना कारण है, अपना समस्या है, जिसका आज तक सोल्यूशन खोजा नहीं गया। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन बताएगा कौन? आप अपना नियरेस्ट कॉम्पिटिटर के पास जाके पूछेंगे, वो तो झांकने ही नहीं देगा आपको, सोल्यूशन आएगा कहां से। तो ये एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इसी पे एम्फोसिस कर रहा है। एंड वर्ल्ड लेवल पे तो यू नो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करता, और एटलीस्ट इंडिया लेवल पे तो गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव रहता है कि हाँ आप एसोसिएशन बनाओ। और नहीं जहाँ बन पा रहा है, फिर भी उन लोगों ने कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स वगैरह बना रखे हैं कि एटलीस्ट कुछ और भी आप लोग अलग अलग ना कर लो, तो ये तो मिनिमम कर लो, इससे भी बहुत ज्ञान मिलता है। ओके, सो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज दिस वन। इसका एडवांटेजेस भी बोला जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, देखो एडवांटेजेस भी आता है और डिसएडवांटेजेस भी आता है। मैं चार चार तीन दो दो तीन तीन पॉइंट फटाफट लिखा देता हूँ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एज अ चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया आपको, एडवांटेजेस में इंफॉर्मेशन, रिड्यूस कॉम्पिटिशन, और अननेसेसरी एक्सपेंसेस। नंबर टू, एनेबल्स टू timely and accurately submit statutory reports। जैसे आप लोग को बताऊं ना, आप लोग स्टूडेंट लोग तो एसोसिएशन बहुत सारा ऑलरेडी बना रखे, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स इतना चल रहा है, हाँ फायदा होता है क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स? मैंने देखा CMA का भी बहुत सारा ग्रुप है, CA का भी बहुत सारा ग्रुप है, और कई कई स्टूडेंट तो नेशनल लेवल तक का ग्रुप्स में मेंबर बना हुआ है। तो कई चीज आपको पहले ही पता चल जाता है, दूसरों को बाद में पता चलता है। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का तो सबसे बड़ा फायदा है, यही तो एसोसिएशन है, यही तो ग्रुप है, ग्रुप को ही तो एसोसिएशन बोल रहे हैं।
अब उसमें जो पोस्ट करने वाला है वो ये सोचने लगा, अरे भाई मेरा खोजा हुआ चीज दूसरे को नहीं मालूम पड़ जाए तो फिर कोई एसोसिएशन चलेगा? उसका तो मकसद ही यही है कि एक दूसरे को मदद करना। व्हाट्सएप ग्रुप इज द इजिएस्ट थिंग, बट हाँ व्हाट्सएप ग्रुप फाइनेंशियल्स नहीं दिखा रहा है, मतलब पैसा थोड़ी कमाने का रास्ता दे रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है। बट पैसे कमाने तो आपको फिजिकली वहां जाके रिलेशन बनाने पड़ेंगे, लोगों में फेथ जीतना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में फेथ वाला फैक्टर नहीं है, कोई भी पोस्ट कर रहा है तो बस हाँ एक इन्फॉर्मेशन है। हम लोग भी फिर किसी को फॉरवर्ड करते तो लिख देते कॉपी एज फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, से लिख देते कई बार, देखना नीचे में डिस्क्लेमर देते फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, हमको मिला हम भेज दिया, हमको पता नहीं सत्य है कि झूठ है। बट एसोसिएशन में ऐसा करते नहीं, जितना एलीट एसोसिएशन होता है उतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होता है। तो एसोसिएशन के डिटेल्स हम लोग जैसे सीए फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार होता है ना कि कोई नया इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म आ गया, अब उसमें क्या भरे, अभी जीएसटी माइग्रेशन चल रहा है तो उसमें क्या वहाँ पे क्या डिटेल भरना है, बहुत सारे सीए प्रैक्टिसिंग सीए अटक जा रहे हैं। तो ग्रुप में पोस्ट करते हैं, एक दूसरे से डेटा शेयरिंग करते हैं, क्वेश्चन शेयरिंग चलता है तो कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाता है, तो फायदा तो होता ही है। तीसरा, तीसरा इसका फायदा है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग एक अलग हेडिंग देके अभी पढ़ने वाले हैं, इंटर एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। कंपैरिजन में सबसे ज्यादा आपको फायदा होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? अभी होता है जैसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आप लगाने लग गए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंपनी जिस माहौल में चला रहे हो आपकी कंपनी में वो बातें लागू नहीं है, अब आप लगाने का कोशिश करोगे आप फंस जाओगे। बड़े लोगों की बातें बड़े लोगों तक ही कई बार सीमित होती है, हर स्केल पे लागू नहीं होती, तो उनकी बात आप सुन के अपने यहाँ पे अपनाने लगोगे तो पता चला आप डिस्टर्ब होने लगे। तो जो इंडिविजुअल ट्रिक्स है वो इम्पोर्टेंस लूज कर जाता है, ऐसे लिख सकते हैं इंडिविजुअल टेक्निक्स एप्लीकेबल टू अ फर्म में लूज इट्स इम्पोर्टेंस। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। जिनके यहाँ नहीं है वो अगर करने जाएगा यूनिफॉर्म सिस्टम तो भैया खर्चा तो लगेगा, आदमी बैठाने पड़ेंगे। समटाइम्स यूनिफॉर्मिटी होने के कारण है ना एक आर्टिफिशियल मोनोपोली इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, मतलब कंज्यूमर गुमराह जैसा हो जाता है, वो बोलते हैं देखो सबका मिला भगत चल रहा है, जिधर जाओ एक ही बात बोलता है। आर्टिफिशियल मोनोपोलिस मोनोपोली क्रिएट हो सकता है विच इज नॉट सो हेल्दी, वी डोंट कंसिडर दिस हेल्दी, समझ गए? सब कंज्यूमर ऐसा फील करने लगता है कि सब मिले हुए हैं, ये भी यही बात बोल रहा है, वो भी वही बात बोल रहा है, ये लोग हमें परेशान करना चाह रहे हैं, ग्रुप बना लिए। करेक्ट, तो ये एक डिसएडवांटेज में आता है। नेक्स्ट एक हेडिंग है इसी में, यूनिफॉर्म प्राइजिंग। उसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका बहुत बार आया हुआ है, वो मैं शॉर्ट में आपको लिखाऊंगा, उसे आपको भी करके दिखाना है। डिटेल्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है, चार कंपनी है ए बी सी डी, शेयर ऑफ प्रोडक्शन
40%, 25%, 20% and 15%. Variable cost of production. Per unit. Variable नहीं, खाली cost of production लिखो. Variable word काट दो. Cost of production per unit 850, 800, 750, 690. Then 20% return on capital employed per unit 628, 430, 750, 230. Fair price per unit. ये ऐसे ऐड करके नहीं है. 14 ये कितना रहा है देखो तो जोड़ के. इसको 350 करिए. तो कितना है ये 1100 और 920 ये जोड़ के ही आया. ठीक है चलो. और कैपिटल एम्प्लॉयड हर एक का पर यूनिट पे 3140, 2150, 1750 एंड 1150 दिया हुआ है. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड यूनिफॉर्म प्राइस. क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड यूनिफॉर्म प्राइस. देखो इस सिचुएशन को समझो. यूनिफॉर्म प्राइसिंग मतलब ऐसा प्राइस जो सबके लिए लागू होगा. ध्यान रहेगा ये बात. यूनिफॉर्म प्राइस मीन्स अ प्राइस दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज इन द इंडस्ट्री. अ प्राइस फॉर ऑल द कंपनीज इन द इंडस्ट्री. सबको एक ही प्राइस मानना पड़ेगा. अब चक्कर ये होता है कि अब एक यूनिफॉर्म प्राइस तय कर दो तो हर कंपनी का कॉस्ट तो बराबर नहीं हो सकता ना. करेक्ट. तो इसमें किसी कंपनी को फायदा होता है, किसी कंपनी का नुकसान होता है. तो जिसका कॉस्ट कम है उसको फायदा हो जाएगा, जिसका कॉस्ट ज्यादा है उसको नुकसान हो जाएगा. बट अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन बहुत हेल्दी रहेगा. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. जैसे अपने पेट्रोल लेने जाते हैं आप, देखिए इंडियन ऑयल का लीजिए, भारत पेट्रोलियम का लीजिए, एचपी का लीजिए, सबका रेट एक ही रहता है ना. एक रहता है रेट. पेट्रोल रेट इज यूनिफॉर्म. कलकत्ता में आप टैक्सी में चढ़ते हैं, हर टैक्सी का भाड़ा एक ही उठता है ना. रेट तो एक ही है. बस में उठते हैं, हर बस का भाड़ा एक ही है ना. क्यों है? क्या बस जो चलाने वाले वो सब एक ही आदमी का है क्या? नहीं, अलग अलग कंपनी का है बट भाड़ा एक ही है. क्यों ऐसा? यूनिफॉर्मिटी रखा हुआ. बट जिसका प्राइस सबका एक है, सबका कॉस्ट भी एक ही होगा क्या? सोच के देखो. तो यूनिफॉर्मिटी में हु इज द विनर? जिसका कॉस्ट कम है. इसीलिए तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के एडवांटेजेस में पॉइंट लिखना पड़ता है कि यहाँ पे बैठने से प्राइस सेम रखने से कभी कभी नुकसान भी होता है. तो उसका फायदा क्या मिलता है कि आपको कॉस्ट कम कैसे करना, उसका आइडियाज मिलता है. कॉस्ट कम करने का आइडियाज मिलता है. अब हम लोग अभी कॉस्ट कम करने नहीं आए. वो आप यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करेंगे तो होगा कम. हम लोग तो यूनिफॉर्म प्राइस कैलकुलेट करने आए. यूनिफॉर्म प्राइस में
जो प्राइस अब डिसाइड किया जाए वो कैसे किया जाए, हम लोग बोलते हैं बहुत सिंपल सा बात कि यूनिफॉर्म प्राइस इज सपोज टू बी मार्केट का जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ मार्केट, मार्केट मतलब इंडस्ट्री जितनी कंपनी है सब, प्लस सबका प्रॉफिट को टोटल पे ले लीजिए, टोटल प्रॉफिट ऑफ मार्केट जोड़कर टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट आ गया, मार्केट का टोटल रेवेन्यू आ गया यानी इंडस्ट्री का रेवेन्यू आ गया, और उसको डिवाइड कर दीजिए आप मार्केट में जितना वॉल्यूम आप बेच सकते हो उससे, तो आ गया यूनिफॉर्म प्राइस। इस यूनिफॉर्म प्राइस को मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। अब ये प्राइस सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस पे किसी को फायदा हो रहा होगा किसी को नुकसान हो रहा होगा उसका अपने कुछ नहीं कर सकते, अगर एसोसिएशन में रहना है तो ये मानना पड़ेगा। समझ गए क्या? जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब आपका यहाँ पे फीस भी रखते हैं ना कलकत्ता में सब्जेक्ट वाइज, आप देखिए फीस यूनिफॉर्म ही रहता है चारों तरफ, मेरे यहाँ नहीं आके कहीं और जाके पता करिए, तो कई बार ऐसे हम लोग फंस जाते हैं यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में। एक स्टूडेंट आया, सर जरूरतमंद हूँ डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, तो फिर वो दूसरे सर का दिखाता है, सर देखिए वहां पे मुझे 80% डिस्काउंट कर दिया, सिर्फ 20% फीस लिया, तो प्लीज आप भी कंसिडर करिए। अब मैं 80% नहीं कर पाता, बोलू क्यों? बेटा जहां तू करवा के लाया है वहां का कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग है, वहां पे कॉस्ट कुछ नहीं लगता, यहां पे कॉस्ट बहुत लगता है, तो मैं कैसे कम कर दूं? ये यूनिफॉर्मिटी का ड्रॉबैक। फिर कंज्यूमर हर जगह यूनिफॉर्म नेगोशिएशन करने का कोशिश करता है, तो कई बार लगता है यार यूनिफॉर्मिटी रख के फंस गए क्या, बट ऐसा इंस्टेंस तो होगा, ये लिमिटेशन है यूनिफॉर्मिटी का, बट इसका एडवांटेज बहुत है, जल्दी से लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं, कंफ्यूज होते हैं क्वालिटी को लेकर सर्विस को लेकर, एटलीस्ट प्राइस उनको कंफ्यूज नहीं करे, करेक्ट? कई बार वो ऐसा भी होता है कोई लोग अंडर कटिंग करने के लिए बहुत कम प्राइस रख देते हैं, तो उस समय कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार वहां जाएं कि नहीं जाएं। बट हेल्दी कंपटीशन क्या है कि प्राइस सब सेम रखिए और लड़ाई करिए क्वालिटी पर, लड़ाई करिए सर्विस पर, आइए उसमें देखते हैं क्या करना है। अंडरस्टूड? ये आपके कॉन्टेक्स्ट में मैं इसलिए लिया कि आप रिलेट कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के केस में आप बोलेंगे अरे तो हाई फाई बात हो गया है तो अपने वहां है नहीं आज, बट आप अपने कॉन्टेक्स्ट में यूनिफॉर्मिटी का इंपैक्ट देख पा रहे हैं। ओके, तो यूनिफॉर्म प्राइस में टोटल कॉस्ट ऑफ मार्केट जानना है आपको। अभी टोटल कॉस्ट ऑफ मार्केट में कैसे निकालू? टोटल कॉस्ट ऑफ मार्केट, देखिए मार्केट में चार कंपनी है, चारों कंपनी का शेयर ऑफ प्रोडक्शन बताया, यूनिट्स तो नहीं बताया, तो मार्केट साइज एक बार मान लेते हैं 100 यूनिट का है, हाँ तो सबका यूनिट्स आ गया क्या? ए का, बी का, सी का, डी का, तो सबका यूनिट्स आ गया। अब हर एक का कॉस्ट पर यूनिट आपको मालूम है, सीओपी पर यूनिट हर एक कंपनी का मालूम है ना, 850, 800, 750, 690, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए, तो ए का 34, बी में, सी में, डी में 10, 350 टोटल,
79,350, ये पूरा मार्केट का डिटेल आ गया। अब ऐसी मार्केट का प्रॉफिट सोचना है, टोटल प्रॉफिट ऑन मार्केट। देखो प्रॉफिट यूजुअली आप लोग जो अभी तक पढ़ते आए थे वो पढ़ते आए थे, प्रॉफिट होता है कॉस्ट पे या प्रॉफिट होता है सेल्स पे, परसेंट ऐसे ही देते थे ना, या प्रॉफिट का फिगर ही मिल जाता था। बट इस क्वेश्चन का खास चीज कि प्रॉफिट को ना कॉस्ट पे देख रहा ना सेल्स पे देख रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे देख रहा है, और वो बोला है 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देख रहे क्या? तो एक्चुअली आप कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करो क्वेश्चन में, हर एक का 20% करके देखो, मैच हो रहा है? हर एक का 20% करो, मैच हो रहा है? अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सुनो, यहाँ फेयर प्राइस क्यों यूज किया? जैसे कंपनी ए से अगर पूछे, कंपनी ए से अगर पूछे कि भाई तूने इतना प्राइस क्यों बताया अपने प्रोडक्ट का, जबकि कंपनी बी तो अलग बता रहा है, तो वो बोलेगा फेयर है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड पे सब कोई प्राइसिंग कर रहा है, मैं भी अपना कैपिटल एम्प्लॉयड पे 20% लिया, वो भी अपना कैपिटल एम्प्लॉयड पे 20% लिया, वो भी अपना कैपिटल एम्प्लॉयड पे 20% लिया। ये बात अलग है कि सबका कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग है, इसलिए सबका प्राइस अलग अलग है। फेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबका मार्जिन 20% ही चल रहा है, बट इसको फेयर बोल सकते हैं, इसको यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते। यूनिफॉर्म होगा तो सबका प्राइस एक होगा। तो इसको यूनिफॉर्म करने का तरीका क्या भाई? हम लोग प्रॉफिट का जो मेथड चल रहा है वो मेथड चेंज नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म प्राइसिंग या कॉस्टिंग का रूल क्या बोलता है? मेथड शुड बी सेम। अगर मेथड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे लिया जा रहा है प्रॉफिट लेने का, तो हम लोग भी इंडस्ट्री वाइड जब जाएंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही प्राइसिंग करेंगे। बट कैसे करेंगे? आपको ये जो लेना है, ये एक कंपनी ए का हुआ तो कंपनी ए का टोटल रिटर्न सोचो, कंपनी बी का टोटल रिटर्न सोचो, कंपनी सी का टोटल रिटर्न सोचो, और मार्केट का रिटर्न निकालो। तो मार्केट का कॉस्ट प्लस मार्केट का रिटर्न इक्वल टू मार्केट प्राइस, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड हियर। जिस तरह से आप टोटल कॉस्ट देखा उसी से टोटल प्रॉफिट ऑफ मार्केट सोचिए। प्रॉफिट पर यूनिट मालूम है, ए में कितना 628, उसका यूनिट्स कितना 40, उस तरीके से ले लो, सबका करो। हमें इंडिविजुअल कमाई से मतलब नहीं है, हमें मार्केट का टोटल से मतलब है। बोलिए। हाँ 25, 120, 430 × 25, 10750, 20, फिर 350 × 20, 7,000, फिर 230 × 15, 3450 टोटल, 46,320 टोटल। वन टू फाइव सिक्स सेवन जीरो मार्केट का टोटल जानना है मुझे, और मार्केट में कितना यूनिट्स बेच रहे हैं हम लोग? 100। तो यूनिफॉर्म प्राइस क्या हो गया? 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये तो 100 यूनिट के हिसाब से ही आया है। मार्केट का यूनिट्स तो 100 ही है, 1,256.7। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब हुआ कि सबको ही अब इस दाम पे बेचेंगे। ये जरूर होता है जनरली कि इस प्राइस पे सबको प्रॉफिट होगा, होगा, बट किसी को कम होगा किसी को ज्यादा होगा। ऐसा यूजुअली नहीं होता है कि ऐसे सिनेरियो में किसी को लॉस होने लग गया, तब तो वो मेंबर बनेगा नहीं ना, वो बोलेंगे हमको नहीं रहना भाई, हम अपना घर से पैसा लगा के मेंबर थोड़ी बनेंगे। जैसे आप चेक करिए 1,256.7 वाला प्राइस सबको दे दीजिए, सीओपी चेक करिए सबका, तो सबको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है 1,256 के कंपैरिजन में? हो रहा है ना? अब ये कंपनी ए जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है वो रोएगा, बोलेगा ये क्या मेरा 1,478 करके आता था, आप लोग मेरा 1,256 करा दिए। और जिसका सबसे कम मार्केट शेयर था उसका प्राइस भी बहुत कम था, उसको तो क्या प्राइस दिलवा दिया आप?
लेकिन होता क्या ना, बैलेंसिंग होता है सब चीज का। कैसे बैलेंसिंग होगा, जब यहाँ पे अपन 2.56 दिला दोगे तो इसका जो ग्राहक है 15% वाला, वो ग्राहक बोलेगा अरे क्या कर दिया आपने, अचानक से 920 का रेट 1250 ले गए। तो आप क्या बोलोगे, भाई देखो इंडस्ट्री वाइड सेम हो गया, आप क्या करें, आप जहाँ से भी ले लो सब एक ही दाम पड़ेगा। तो ग्राहक ईगो पे ले लिया ना, ठीक है तुमसे तो नहीं लेगा। तो आपको थोड़ा फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा कि किसी और का ग्राहक आपके पास आ जाए। जैसे किसी और के यहाँ भी तो चिढ़ेगा ना, तो वो वाला आपके पास आ जाए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिफरेंस रह सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आप लोग एक दूसरे का जब साथ लेके चलोगे तो हेल्दी एनवायरनमेंट ज्यादा रहेगा। कल को इससे नुकसान हुआ, आप वापस से मेंबर हो तो आप आवाज उठाओगे ना कल, देखिए यूनिफॉर्म प्राइसिंग से आप लोग को ये मिल गया, मेरा तो पूरा लूट गया। तो अगर एक दूसरे में दोस्ती है, एसोसिएशन का जो एथिक्स है वो मेंटेन्ड है, तो लोग हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, वो लोग रेफर कर देंगे, नहीं मेरे पास स्टॉक आउट हो गया, आप उनसे ले लीजिए या उससे मंगवा के इसको दे देंगे। कुछ ना कुछ करा जाता है, ये सब एसोसिएशन का खासियत होता है। एसोसिएशन का खासियत ही यही, अगर इसका मजा अगर मिल गया ना, तो एसोसिएशन एसोसिएशन से मैंने कई परिवारों को उठते हुए देखा है। और मेरा भी पर्सनली कई बार बहुत सारा फायदा एसोसिएशंस के थ्रू आया है, बहुत सारा। कि कई जगह हम लोग कुछ कर नहीं पाते, किसी को जानते नहीं, तो जान पहचान कहाँ से निकाले। अब अपने बिजनेस वाले कई लोग नहीं मिलते हैं, तो क्या करें, एसोसिएशन। एसोसिएशन का पावर को समझिए, और अगर हो तो जरूर कभी अपने लिए कुछ करें, तो एसोसिएशन को साथ में लेके चलें। सो ये खत्म हो गया। एक लास्ट डिस्कशन है इंटर फर्म कंपैरिजन को लेकर, थोड़ा सा थ्योरी ज्ञान है, विच इज बेसिकली एन एडवांटेज विच कम्स थ्रू यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, एंड इट इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। थोड़ा ज्ञान बता सकेंगे क्या इसमें, व्हाट इज इंटर फर्म कंपैरिजन? इंटर फर्म मतलब हुआ कि व्हेन अ कंपनी इज एबल टू कंपेयर कंपेयर इटसेल्फ विथ अदर कंपनी, ऑब्वियसली ऑफ सेम इंडस्ट्री, देन इट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। तो सवाल उठता है क्या क्या चीज को कंपेयर करेगा। सी अगर अगर एसोसिएशन का मेंबर है तो बहुत चीज कंपेयर कर सकेगा, और एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, एसोसिएशन का मेंबर नहीं है तो फिर चोरी चोरी वोरी करके कंपेयर करेगा, मतलब सर्वे वर्वे करके कंपेयर करेगा। समझ में, कि उस कंपनी में हमेशा लाइन लगा रहता है, हम लोग यहाँ क्यों नहीं लगता, ये एसोसिएशन में नहीं होता, ये सर्वे से। उस कंपनी में कोई भी इम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता, हमारे यहाँ को छोड़ के जाता है। उस कंपनी में कस्टमर का ग्रीवांस एक दिन में रिड्रेस हो जाता है, हम लोग यहाँ क्यों नहीं होता, इस तरह से कंपेयर किया जाता है। और कंपेयर करने से कमियां मालूम पड़ती है, कमियां मालूम पड़ती है तो सुधार के रास्ते खोजे जाते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन। इट इज कंपेयरिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ वन कंपनी विथ अनदर कंपनी इन द सेम नेचर ऑफ बिजनेस और इन द सेम इंडस्ट्री। कहाँ पे कंपेयर होता है, कंपैरिजन इज बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इन एसोसिएशंस
फिर एडवांटेजेस क्या है, बता दो एक दो एडवांटेज। कॉमन सेंस से यूजुअली बच्चे लिख लेते हैं, इसी बार नशा क्या चढ़ गया मैं पढ़ा दिया, वरना मेरे को ये पढ़ाना नहीं पड़ता है। हर बार बच्चे लिख लाते हैं। क्या फायदा है? परफॉर्मेंस विल इंक्रीज तो लास्ट है, बट थोड़ा और जड़ में घुसिए, वीकनेस पता चलेगा, आइडेंटिफाइंग द वीकनेसेस, आइडेंटिफाइज वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं। दूसरा, वही कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स, तीसरा इंक्रीज्ड बिजनेस बोल सकते हैं, इंक्रीज्ड बिजनेस, बिजनेस एज इन मार्केट शेयर भी हो सकता है, जिसको आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं। वही फिर एक और रिलायब स्टैट्यूटरी का बात, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, विथ मोर एक्यूरेसी, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? वही जो चीज दूसरों के लिए लागू है वो अपने लिए नहीं भी हो सकती है ना? तो उससे मन निराश हो जाता है कई बार। यूटिलिटी ऑफ कंपेरेबल इंफॉर्मेशन, टू द कंपनी, नॉन रिलायबल इंफॉर्मेशन भी आ सकता है। कंपैरिजन करने गए बट सामने वाला आपको ऐसा कोई खबर दे दिया इंटेंशनली जिससे आप दुखी हो गए। ओके, और एक लिख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ प्रॉपर बेसिस ऑफ कंपैरिजन, मतलब किस बेस पे कंपेयर करें। जैसे वो सामने वाला सेल्स का परसेंटेज निकाल के अपना सारा बैठा हुआ है, अब आप सेल्स पे निकाले कि अपना टोटल कॉस्ट पे निकाले कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाले, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, एक और लिख सकते हैं, वही लीकेज ऑफ सीक्रेसी। कंपेयर करने जाते हैं ना तो डेटा का चक्कर में कई बार कोई सीक्रेट लीक नहीं हो जाए, बताने चले गए ऐसा बात जो सबको मालूम भी नहीं था और अपना ही सीक्रेट हाथ से निकल गया, ध्यान नहीं रहता ना, तो ऐसा हो सकता है लीकेज ऑफ सीक्रेसी। तो एसोसिएशन में जब जाते हैं तो बहुत सारा राज का बात राज पे ही रखना पड़ता है, आप ये नहीं कि पूरा दिलदार होके सारा सीक्रेट खोल दें वहां पे कि सब हमारे ही भाईचारे हैं, तो फिर बिजनेस चलेगा नहीं। ओके, सो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कंपैरिजन के समय कहीं सीक्रेसी लीक ना हो जाए हमारा, अगर आप उसको कहीं डिस्क्लोज कर रहे हो तो। सो विद दिस दिस इज ओवर। ओके, और आज यहीं पे रोक देते हैं, अगला दिन हम लोग फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू।